हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं HTML कलर्स के बारे में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्पेशली ओ लेवल स्टूडेंट, ए लेवल स्टूडेंट, BCA स्टूडेंट या उनके लिए बेनिफिशियल है जो वेब पेज डिजाइनिंग थ्रू HTML लर्न कर रहे हैं या सीख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि HTML में अगर हमें कलर्स स्पेसिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे। इसके बाद हम ये जानेंगे कि HTML में कलर स्पेसिफाई कलर नेम के द्वारा कैसे करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि अगर हमें कलर नेम RGB वैल्यूज के माध्यम से स्पेसिफाई करना है तो कैसे करेंगे। फिर इसके बाद से हम ये जानेंगे कि हेक्साडेसिमल कोड का यूज करके हम कलर नेम कैसे स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद हम लास्ट में इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि हम कलर नेम कैसे स्पेसिफाई करेंगे HTML में। फ्रेंड्स, वैसे तो कलर नेम स्पेसिफाई करने के कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन HTML में हम मुख्य रूप से तीन मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा हम कलर नेम को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले कलर्स को कलर नेम के द्वारा स्पेसिफाई करेंगे, मीन्स डायरेक्टली जो कलर हमें चाहिए उस कलर का नेम लिख देंगे। और चूंकि हमें जानते हैं कि कलर या तो हम पेज के बैकग्राउंड कलर चेंज करने की बात कर रहे हैं या तो हम टेक्स्ट की कलर यानी फॉन्ट की कलर की बात कर रहे हैं। अगर हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि BG कलर जो बॉडी टैग के अंतर्गत लिखा जाता है, BG कलर इक्वल टू कलर का नेम हम लिख देंगे तो वो पर्टिकुलर कलर पेज का बैकग्राउंड चेंज कर देगा। और यदि हम टेक्स्ट की कलर चेंज करना चाहें, टेक्स्ट की कलर पूरे पेज की एक टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहें तो हम टेक्स्ट इक्वल टू जो भी कलर का नाम है वो स्पेसिफाई कर देंगे। हम आगे इसके बारे में प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरीके से हम कलर चेंज करेंगे, लेकिन स्पेशली दो कलर्स हम चेंज करते हैं, या तो पेज की बैकग्राउंड कलर, पेज के टेक्स्ट का कलर, या हम किसी फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं, पर्टिकुलरली किसी लाइन के फॉन्ट कलर को चेंज करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने पहला मेथड बताया कि हम किसी भी कलर को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो उसके नेम के द्वारा हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है RGB वैल्यू फार्मूला के माध्यम से हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड तीन ही कलर होते हैं जिसको हम रेड, ग्रीन, ब्लू के नाम से जानते हैं, तो हम RGB वैल्यूज का प्रयोग करके कलर्स के नेम को चेंज कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है हम हेक्साडेसिमल कोड के माध्यम से भी कलर नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कलर नेम के द्वारा कलर कैसे स्पेसिफाई करेंगे। अगर हमें कलर नेम के द्वारा कलर को स्पेसिफाई करना है तो वैसे तो हम जानते हैं कि मॉडर्न जो ब्राउजर है वो लगभग 140 कलर्स नेम को सपोर्ट करता है, जिसमें मुख्य रूप से रेड, ब्लू, ग्रीन, गोल्ड, सिल्वर, पर्पल, ये सारे कलर्स हैं जो ब्राउजर सपोर्ट करता है। आइए हम समझते हैं कि हम अगर नेम के द्वारा कलर स्पेसिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर हमें बॉडी में टैग के अंदर BG कलर एट्रीब्यूट होता है, अगर हमें बैकग्राउंड कलर येलो चाहिए और टेक्स्ट कलर रेड चाहिए तो हम सिंपल बॉडी टैग के अंदर BG कलर इक्वल टू येलो और टेक्स्ट कलर इक्वल टू सीधे कलर का नाम लिख देंगे। और जैसे हम इस कोड को रन करेंगे तो पेज का बैकग्राउंड कलर येलो और टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा। आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे हम इस कोड को रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेज का बैकग्राउंड कलर येलो और टेक्स्ट का कलर क्या शो हो रहा है, रेड कलर शो हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमें कलर नेम के द्वारा कलर चेंज करना है, स्पेसिफाई करना है तो कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हमें जानेंगे कि कलर नेम RGB वैल्यूज को यूज करके कैसे स्पेसिफाई करेंगे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि रेड, ग्रीन, ब्लू एक फंक्शन कह सकते हैं इसको, और इसका स्टैंडर्ड कलर जो है वो तीन ही है, रेड, ग्रीन, ब्लू। बाकी जितने भी कलर बनाए जाते हैं वो इन्हीं तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं।
इसकी जो वैल्यूज होती है वो 0 से लेकर 255 की रेंज होती है। जो पहला पैरामीटर होता है वो रेड कलर स्पेसिफाई करता है, दूसरा पैरामीटर ग्रीन कलर को स्पेसिफाई करता है, और तीसरा पैरामीटर ब्लू कलर को स्पेसिफाई करता है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर हमने आरजीबी और पहला पैरामीटर 255, दूसरा 0 और तीसरा 0 कर दिया, तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या है, रेड है, 255 है, बाकी सारी ग्रीन और ब्लू 0 है। तो इसका बैकग्राउंड कलर या जो भी अगर आप फॉन्ट का कलर चेंज कर रहे हो तो वहाँ पर इसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। दूसरा, अगर हमने रेड कलर को 0 कर दिया, ग्रीन 255 कर दिया और ब्लू को भी 0 कर दिया, तो यहाँ पर हमने सेकंड कलर की प्रायोरिटी हाईएस्ट रखी है और इस तरीके से इसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इसी तरीके से हम थर्ड बात करेंगे, अगर हमने रेड भी 0 कर दिया, ग्रीन भी 0 कर दिया और ब्लू की वैल्यू हमने 255 कर दी, तो इसका मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी हमने ब्लू को दिया है और इस तरीके से कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। अगर हमने तीनों ही पैरामीटर की वैल्यूज को 0 कर दिया तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आरजी वैल्यू के माध्यम से आरजीबी फंक्शन को यूज करके कलर नेम को स्पेसिफाई करते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और एक छोटे से एग्जांपल से हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से आरजीबी फंक्शन के माध्यम से हम एचटीएमएल में कलर को स्पेसिफाई करेंगे। जैसे अगर एक पहला एग्जांपल हम देखें, अगर आपने सपोज दैट किसी पर्टिकुलर लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे फॉन्ट टैग का प्रयोग करते हैं। ये फॉन्ट टैग है, कलर उसका क्या है, एट्रीब्यूट है। अब कलर का एक तो तरीका ये था कि आप डायरेक्टली नेम लिख दें और दूसरा तरीका आरजीबी वैल्यू का यूज करें। तो आरजीबी में तीन कलर हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो यहाँ पर रेड 128 है, ग्रीन क्या है, 0 है, और ब्लू भी क्या है, 128 है। तो रेड और ब्लू दोनों का जब कॉम्बिनेशन इक्वल होगा तो इसका कलर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, पर्पल कलर हो जाएगा। तो अगर आप ये लाइन अपने पेज के अंदर ऐड करते हो किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर तो उसका कलर क्या चेंज कर देगा, पर्पल कर देगा। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, सेकंड एग्जांपल में जैसे अगर हमने आरजीबी 255 रेड और ग्रीन को 255 रखा है, ब्लू को 0 कर दिया है, इस तरीके से रेड और ग्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन जब इक्वल होगा तो उसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, येलो कलर चेंज हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है आरजीबी वैल्यू के माध्यम से करना है, कलर नेम स्पेसिफाई करके नहीं करना है, तो यहाँ पे भी आरजीबी वैल्यू का इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन यूज करके बैकग्राउंड कलर को भी और उस पेज के टेक्स्ट कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इस कोड में आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम प्रैक्टिकली रन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट इस पे जो ब्राउजर है वो गूगल क्रोम है, लेकिन गूगल क्रोम जो कोड हमने रन किया उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस कोड को हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन करके देखते हैं, क्योंकि इसके लिए अपडेटेड ब्राउजर का होना जरूरी है। हमारे पे इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन करके देख लेते हैं। कभी कभी ऐसी समस्याएं आपके साथ भी आएगी तो आप ब्राउजर चेंज करके आप अपने प्रोग्राम को रन करके उसका आउटपुट देख सकते हैं। जैसे हमने इसको लिखा और रन किया तो देखिए अब फर्स्ट लाइन का कलर क्या आ रहा है, पर्पल, और दूसरे वाले का कलर क्या आ रहा है, येलो आ रहा है। जो कोड हमने लिखा वो कोड इस तरीके से रिजल्टेंट पेज हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि कलर नेम के द्वारा कलर कैसे स्पेसिफाई करेंगे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और आरजीबी फॉर्मूला के माध्यम से हम कलर नेम कैसे स्पेसिफाई करेंगे ये भी आपने प्रैक्टिकली करके देख लिया। अब इसके अगर सोर्स कोड को देखना चाहेंगे तो यहाँ पे व्यू सोर्स कोड कर लेते हैं फ्रेंड्स, और इस तरीके से हमें इसका सोर्स कोड भी दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका सोर्स कोड है, अगर आप इसका देखना चाहें तो इस तरीके से आप अपने सोर्स कोड को देख सकते हैं। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर इसको रन करके देख लिया और यहाँ पर आपके सामने दोनों चीज़ें दिख रही हैं, सोर्स कोड भी इसका दिख रहा है और इसका जो आउटपुट पेज है वो भी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फंक्शंस आरजीबी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं कि कलर नेम को हम हेक्साडेसिमल कोड से कैसे स्पेसिफाई करेंगे। फ्रेंड हेक्साडेसिमल में जैसे हम जानते हैं 0 to 9 और ए टू एफ की वैल्यूज हम यूज करते हैं। यहाँ पर इसका 6 डिजिट में इसके कलर कोड दिए जाते हैं जो हैश से स्टार्ट होता है, और रेड, ग्रीन और ब्लू, यहाँ पर भी RR GG और BB, ये तीन कॉम्बिनेशन है और इसकी वैल्यू 000 से लेकर FF 6 टाइम तक हम यूज करते हैं। तो 0 से FF के कॉम्बिनेशन से हम हेक्साडेसिमल कोड के माध्यम से भी कलर नेम को चेंज कर सकते हैं।
एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे अगर हमने रेड आरआर को हमने एफ कर दिया, बाकी को जीरो कर दिया, तो ऑब्वियसली कि इसकी कलर क्या हो जाएगा, चेंज होकर रेड कलर हो जाएगा। इसी तरीके से हमने ग्रीन की प्रायोरिटी दे दी, यानी रेड को जीरो कर दिया, ब्लू को जीरो कर दिया और ग्रीन एफ एफ कर दिया तो ग्रीन हो गया। इसी तरीके से रेड और ग्रीन हमने जीरो कर दिया और ब्लू को हमने एफ एफ कर दिया तो इसका ब्लू हो जाएगा, और सारी वैल्यू अगर जीरो कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इसका एक छोटा सा एग्जांपल करके हम देखते हैं कि किस तरीके से इसके कोड को, अगर हम हेक्सा कोड को यूज करना चाहें अपने HTML पेज में, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है येलो और टेक्स्ट का कलर रेड चेंज किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड और ग्रीन दोनों का एफएफ है, ब्लू कलर को जीरो कर दिया गया है और यहाँ पर टेक्स्ट में रेड केवल किया गया है, बाकी जीरो है, तो ये टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा। आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का कलर रेड चेंज हो गया और बैकग्राउंड कलर इसका येलो चेंज हो गया। फ्रेंड्स इसका सोर्स कोड अगर आप व्यू करेंगे तो इसका सोर्स कोड ये है, हमने नॉर्मली बॉडी टैग के अंदर बीजी कलर में हेक्सा कोड को स्पेसिफाई करके बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर दोनों को हमने चेंज कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप HTML में कलर कैसे दोगे, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करोगे, कलर नेम यूज करके, हेक्सा वैल्यू यूज करके, RGB वैल्यू यूज करके, या फॉन्ट का कलर कैसे आप चेंज करोगे, नेम के द्वारा या हेक्सा वैल्यूज के द्वारा या RGB फॉर्मूला के द्वारा, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में। तो फ्रेंड्स इसमें दो एक्सरसाइज हमने दिया हुआ है, इस एक्सरसाइज को आप लोग करिएगा, तीनों ही मेथड का प्रयोग करके आप करिएगा, ये दो एक्सरसाइज हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हाँ, और बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगर हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट्स के साथ। थैंक यू।